नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला सप्ताह। और इस वीडियो में मैं आपको राशिफल के साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। पहले बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, आपके विरोधी आपको रोक नहीं पाएंगे भले ही वे आपकी परियोजनाओं को रोकना चाहते हो। मैं इस सप्ताह की बात कर रहा हूँ, इस सप्ताह में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्थिक लेन देन संतुलित रहेगा, पारिवारिक मामलों को आप अपनी समझ के अनुसार संभालने में सफल रहेंगे, आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और आपको प्रशंसा मिलेगी जिससे आप खुशी महसूस करेंगे। अपने कार्यस्थल पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करें। अपने जीवन साथी के अलावा अपने नए दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ अच्छा समय बिताएं। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की भी उपेक्षा आपको इस बार बिल्कुल भी नहीं करनी है। वृष राशि की बात कर लेते हैं। नई योजना का कार्यान्वयन आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन याद रखें कि उन योजनाओं को सही समय पर ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चल रहे पारिवारिक मुद्दों को उचित संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का प्रयास करें। पूर्व में किए गए कार्यों के संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। करीबी दोस्तों से मुलाकात संभव है। आर्थिक मामलों में भी आसानी से आपकी जो समस्याएं वो सुलझती हुई मुझे दिख रही हैं। आपका जीवन साथी आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाएगा और आपको पहले से ज़्यादा प्यार भी करेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। व्यावसायिक उद्यम आपकी गणना से अधिक फलेंगे। पेशेवरों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में सफलता भी आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए देखी जा रही है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने रिश्तेदारों से निमंत्रण मिल सकता है जो आपके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने का सुनहरा मौका देगा। छात्रों को अपने जो प्रयास है उनमें वांछित परिणाम प्राप्त होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए आपके लिए जो सप्ताह है वो अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको बहुत विशेष सतर्क रहना होगा। उच्च अधिकारी आपके समर्पण और सटीकता से प्रसन्न होंगे। चल रहे विदेशी मामलों में अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। वाहन और घर से जुड़े मामले आखिरकार सुलझते हुए दिख रहे हैं। समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की अराजकता में न पड़ें और दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में बड़ों के स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, उनका ध्यान रखें। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी वित्तीय स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा। अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, उसे बचना चाहिए। यदि आपको यात्रा करना ही है तो आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखें। मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ मुद्दों पर आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए इस सप्ताह सार्थक देखी जा रही है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपको जमीन जायदाद खरीदते समय धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। जहाँ तक हो सके किसी को भी मुफ्त सलाह देने से बचें। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तो आप उनसे उसमें जो है निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। किसी भी तरह की अटकलबाजी से दूर रहना ही बेहतर होगा। आपके घरेलू मोर्चे पर परिवर्तन देखे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्वीकार्य प्रस्ताव आने की अपेक्षा है। करें जो अभी भी अविवाहित हैं, उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपके परिवार के सदस्यों की जरूरतों और वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने की चिंता आखिरकार आपकी मुझे खत्म होते दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं बताऊंगा कि सपनों को कैसे पूरा करें, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम अपना लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। ये बातें हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे जीवन में तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अपने लक्ष्य को करें निर्धारित, सही योजना बनाएं और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, वो है समय का प्रबंधन। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अच्छी संगति में रहें और अवरोधों अर्थात जो भी बाधाएं आएं उनका डटकर सामना करें। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपने जो सपने हैं उनको पंख लगेंगे और निश्चित रूप से सफलता आपको जो है मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। संपत्ति में निवेश आपको लाभ दे सकता है और नई परियोजनाओं के आने की उम्मीद भी दिख रही है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना जारी रखें।
चल रहे पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में मित्रों और परिवार के लोगों का समर्थन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अपने और अपने जीवन साथी के बीच समझ का समीकरण विकसित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है तो अपनी जो कीमती चीजें हैं उनको उनका अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम परिवर्तन और संबंधित बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यदि आप एक नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपका निस्वार्थ और बुद्धिमान निर्णय समाज से प्रशंसा अर्जित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपके बच्चों के प्रमोशन की खुशखबरी घर का माहौल खुशनुमा और प्रफुल्लित करेगी। आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल होंगे। दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचें। अगर आपको किसी से कर्ज लेना है तो आपको जरूरत से ज़्यादा न लेने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक कानूनी मुद्दों की बात है तो वो निपटते हुए दिख रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धनुराशि की बात कर लेते हैं। आपके घरेलू मुद्दों से संबंधित समस्याएं यथावत बनी रहेंगी। आपको कम उत्पादक परियोजनाओं में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने से बचने की जरूरत है। व्यक्ति की अफवाहों में न पड़े। अपने पारिवारिक के जो लोग हैं उनकी जरूरतों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। चल रहे कानूनी मुद्दे कुछ और समय तक रुके रहेंगे। धैर्य रखें। व्यापार उद्यम में सुधार की खबर की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यस्त सड़क पार करते समय या फिर सूर्यास्त के बाद अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और यातायात के नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। भू संपत्ति खरीदते समय आपको संबंधित दस्तावेजों को पूरी तरह से विस्तार से देखना चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए मुश्किल में खड़ी कर सकता है। आपके प्रयासों के परिणाम आपकी संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो सकते, फिर भी कभी जो काम है अभी भी वो फल फूल सकता है। यदि आप अपने फंड को निवेश करना चाहते हैं तो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में निवेश करना सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे काम करने से बचें जिसमें आपकी जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो सकती है। अपने जीवन साथी के लिए अधिक समय निकालें। अपने चल रहे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको अब उनकी सच्ची भावनाओं की जो है अपने साथी की सच्ची भावनाएं जिनको समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए और बेहतर होगा कि आप उनको समय दें। सेहत इस सप्ताह में जो आपका सामान्य दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आपके नाम प्रसिद्धि सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सुधार होगा, जिससे आपको भीतर से प्रसन्नता का अनुभव होगा। व्यापार से जुड़े मामलों में भी अच्छा समय रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को अपनी ऊर्जावान स्वभाव पर हावी बिल्कुल भी न होने दें। धार्मिक महत्व के स्थान पर दान करने से आगे सफलता सुनिश्चित होती दिख रही है। स्वास्थ्य में वृद्धि भी संभव है। निजी संबंधों के लिए समय काफ़ी अच्छा है और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो वो संतोषजनक दिखाई दे रहा है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आप अपने भीतर जोश और ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव करेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट को परफेक्ट तरीके से शुरू करने में भी सक्षम होने वाले हैं। इस पूरे सप्ताह के अंदर नया उद्यम आपकी अपेक्षाओं से अधिक फलने फूलने के लिए तैयार है। घर में दोस्ताना माहौल रहेगा। अपने बच्चों से उत्साहजनक समाचार की अपेक्षा करें। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी और आपका कल्याण सुनिश्चित करेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आपके परिवार के सदस्य आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको प्रोत्साहित करते हुए दिख रहे हैं। अभी हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप अपनी जीवन कुंडली पर गहनता से विश्लेषण हमारे ज्योतिष आचार्य से करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टाइल। नमस्कार।